योगीराज 2.0 का शुभ आरंभ हो चुका है और उसी के साथ एक बार फिर से हर जगह बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। लखनऊ में कल बसपा नेता फहद यजदानी के एक बने फ्लैट पर लखनऊ के हजरतगंज में बुलडोजर चला है। कैमरामैन संदीप आपको पहले तस्वीरें दिखाएंगे। इस फ्लैट के अंदर हम इस वक्त आ चुके हैं जहां पर बुलडोजर चला है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से दीवारें ध्वस्त करी गई हैं। जो बना बनाया 6 मंजिला फ्लैट ही बताया गया, जिसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। एलडीए का कहना है कि यह नजूल की जमीन पर बना फ्लैट था, इसका नक्शा भी पास नहीं था, जिसकी वजह से पूरे फ्लैट को गिराया गया है। ये लखनऊ के पौश इलाके हजरतगंज के जयनारायण रोड में स्थित है और आप जिधर नजर दौड़ाएंगे, चाहे नीचे की तरफ देखेंगे चाहे ऊपर की तरफ देखेंगे, आपको केवल ध्वस्तीकरण यहां पर नजर आएगा। हालांकि लीगल जो इमारतें बनी हैं उनका जो बुलडोजर चल रहा है वो कवायद पिछले 5 साल से जारी है और जगह जगह चाहे मऊ हो, गाजीपुर हो, लखनऊ हो, कई जगह पर स्पेशली जो गैंगस्टर्स उनके अगेंस्ट कार्रवाई हो रही है। फिलहाल ये कार्रवाई और हुई है, बताया गया है कि ये नजूल की जमीन है और एलडीए की तरफ से भी कारण बताओ नोटिस 2016 में जारी हुआ, जिसका जवाब जब नहीं दिया गया तो कार्रवाई बढ़ती गई। पर अब एक सवाल ये है कि 2016 की बनी जमीन पे इस जहां पर ये बना, 2016 में एक टावर था, 2022 होते होते यहां पर पूरा फ्लैट खड़ा हो गया, तो इन 6 सालों में एलडीए को सुध क्यों नहीं आई और उस बीच में एक्शन क्यों नहीं हुआ, ये 6 साल क्यों दिए? क्योंकि इन 6 सालों में कई ऐसे लोग थे जिन्होंने यहां पर प्रॉपर्टी खरीद ली, जिन्होंने पूरे पैसे रजिस्ट्री कराकर यहां पर फ्लैट खरीद लिया। अब वो लोग परेशान हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, क्योंकि उनके जीवन भर की कमाई कहीं ना कहीं खत्म हो गई। हालांकि गलती उनकी भी कि उन्होंने एक क्रॉस चेक नहीं किया कि ये नजूल की जमीन है या फिर ये एलडीए से पास है या नहीं है। कुछ ऐसे ही लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, भाई साहब हैं, इन्होंने यहाँ पर एक फ्लैट खरीदा था। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद अशाम है। बताइए क्या आपने कहाँ पे कौन सा फ्लोर आपने खरीदा था और क्या हुआ था और क्या आपको पता था कि एलडीए से पास है या नहीं है? भैया मैंने 8 फरवरी 2021 को रजिस्ट्री करवाई है और पूरा पेमेंट दे चुका हूँ और इसके अलावा मेरे पास और कोई घर है ही नहीं। और जिस मुसीबत के लिए ये घर खरीदा गया है कि हमारे बड़े भाई कोविड में एक्सपायर कर गए, खेत बेच के डेथ क्लेम मिलके जो भी पैसा, जो भी जमा पूंजी थी जिंदगी भर की, वो सारी इसी बिल्डिंग में फंसा दिए हैं। हम हैं, हमारी सिस्टर हैं और वो बेवा है, उनके पास रहने को कोई जगह नहीं है। इसके अलावा नहीं, पर एलडीए कह रहा है कि ये नजूल की जमीन है भैया, यहाँ पर तो इलीगल फ्लैट बना। भैया उस टाइम तो हमने रेरा अप्रूव्ड का प्रोफार्मा देख लिया, रेरा अप्रूव था, रेरा अप्रूव है, डॉक्यूमेंट बिल्कुल ये है, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप देख सकते हैं, ये हमारी रजिस्ट्री हुई है, रजिस्ट्री डेट आप देख सकते हैं 8 फरवरी 2021, ये 6:35 पर रजिस्ट्री हुई है और यजदान इंफ्राकॉम के हिसाब से ये पूरा डॉक्यूमेंट है, ये करीब 28 पेज का डॉक्यूमेंट है, ये उस टाइम की बिल्डिंग का वो है, ये 2021 8 फरवरी उस टाइम पे ये बिल्डिंग की फोटो थी और मेरा फ्लैट नंबर था फ्लैट नंबर C203 सेकेंड फ्लोर कवर्ड एरिया और ये है बिल्डर, ये है सिस्टर और ये पेमेंट क्या दिया हूँ, कैसे दिया हूँ, किस मोड में दिया हूँ, ये सारी आप देख सकते हैं। नहीं तो बिल्डर इस वक्त कहाँ है? आप लोगों से मिल नहीं रहा, आपने बातचीत नहीं? बिल्डर सर फोन नंबर तो जो दिए हैं वो कभी नहीं पिक होता है, जो कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को करते हैं वो सिर्फ कोऑर्डिनेट करने में ये हैं, जो गवाह बने हैं, गवाह एक मैं हूँ, एक ये गवाह एक मैं बना था उस टाइम विटनेस और एक विटनेस ये कोऑर्डिनेट करने में थे। इनका निक नेम सैफी है, ओरिजिनल नेम फसी अहमद और ये भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, बस मीठी बात कर रहे हैं कि आप लोग परेशान ना होइए, कुछ नहीं होगा। ये उस टाइम का लेआउट ये है, मैप ऑफ द प्रॉपर्टी। पर एलडीए के द्वारा आपका क्या नाम है? आशुतोष पांडे हमारा यहाँ पर लिया जी, हमारा फ्लैट है फ्लैट नंबर 103 जी। पर एलडीए ये कह रहा है कि हमने ये इसलिए तोड़ा है क्योंकि 2016 को भी कारण बताओ नोटिस दिया गया, इसका बिल्डर ने कोई जवाब नहीं दिया। बिल्डर ने जवाब नहीं दिया, बिल्डर से किस प्रकार से सरकार को क्या मैनेज करना चाहिए, बिल्डर की वजह से उनके क्रेता को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। यहां तो सफर कर रही है 84 फैमिली, यहां 84 फ्लैट है टोटल, 84 फैमिली सफर कर रही है। बिल्डर की गलती से 84 फैमिली ने रेरा अप्रूव्ड देखा, वो अब आपके पेपर चेक करने अलग से नहीं जाएगा। आप लोग रेरा अप्रूव देखा? रेरा अप्रूव देखा और चूंकि लोन भी हो सकता था इसलिए लोन भी करा लिया, लोन भी उस पर बैंक कर रही है, बैंक से हमारा यूनियन बैंक से लोन हुआ। तो एक मतलब ऐसे प्रोजेक्ट का जिसका गवर्नमेंट लोन भी दे दे रही है और एरा अप्रूव्ड है, उसमें और क्या चेक कर सकता है क्रेता? क्रेता तो अपने हिसाब से सही है, क्रेता को सफर हमको लगता है नहीं करना चाहिए ऐसे हालात में,
ऐसे हालात में गवर्नमेंट को जो भी कदम उठाने चाहिए वो आप जुर्माना लगा दीजिए, फहद राजधानी के खिलाफ आप कोई भी कार्रवाई करिए, वो फ्लैट तोड़ने का कोई मतलब नहीं है कि उसमें हम तो बेघर है ना, हम तो किराए पर रह रहे हैं इस समय, हमको तो यहाँ रहना था, हम तो बेघर हुए ना सर। आपने चेक किया था कि एलडीए से पास है नहीं? एलडीए से पास नहीं चेक किया था, रेरा अप्रूव्ड था और मेरा चूंकि लोन सैंक्शन हो गया तो मैं आप रेरा पे रिलाय कर गए और बैंक से अप्रूव हो गया तो आपको लगा कि सही होगा? जी जी। आपका भी सेम केस था भैया? ये हमारे पास करीब करीब देखा जाए तो उनके और भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ये 2011 में जो यजदान बिल्डर्स ने जिनसे जमीन खरीदी है 6 करोड़ रुपए में, यही जमीन, ये उनका भी डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं, एक जगह से सोर्स से मिल गया मुझे, ये है पूरा डॉक्यूमेंट और इस मोड पे पैसा दिया गया है, मे भी 6 करोड़ रुपए का ये ट्रांजेक्शन है पूरा, और ये है, और ये उस टाइम का ये प्रॉपर्टी का लेआउट है 2010 का जिनसे इन्होंने लिया था। और इसके अलावा हमारे पास ये देखिए जो जो चीज मैं पाया हूँ मैं वो आपको दिखाना चाह रहा हूँ, इन दो दिनों में ये चीज पाए हैं, ये स्टैंप, ये सेल डीड थी उस टाइम की 2010 की, तैयार नहीं है। और लेकिन आज की डेट में कोई बात करने के हम लोगों से तैयार ही नहीं है। और सर आप ये देख, ये एलडीए का अप्रूवल आप देख सकते हैं, एलडीए का पेपर है, ये एलडीए का पेपर है, इसमें डेट मेंशन है 2016 की 15/2/2016 लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी उत्तर प्रदेश विपिन खंड गोमती नगर लखनऊ, इसी प्लॉट का है, डालीबाग हजरतगंज कॉलोनी, और ये है एलडीए का पेपर। और आपको मैं दिखा दूं ये है ये आर्किटेक्ट का है कि रेरा अप्रूव्ड है ये। फिलहाल यहाँ पर जो लोग हैं इनका ये कहना है कि इन्होंने ये फ्लैट इसलिए लिया, 2800 वर्ग मीटर में बना पूरा फ्लैट, लगभग लागत 60 करोड़, इन्होंने ये इसलिए लिया, 84 फैमिली इनका कहना है बेघर हो गई हैं, सरकार का एक्शन इलीगल इमारतों पर जरूरी है, पर इन फैमिलीज का क्या जो बेघर हो गई हैं, इनका कहना है कि इन्होंने कुछ चीजें देखी, यानी कि रेरा अप्रूव्ड इनको दिखा, इनका भरोसा जता, प्लस इनका जब बैंक से लोन अप्रूव हुआ तो इनको लगा कि हाँ बिल्डिंग ठीक होगी, हालांकि चूक इनसे एलडीए को देखने में जरूर हुई, पर अब देखना है कि क्या इन जो फैमिली 84 फैमिलीज हैं जो बेघर हुई हैं इनको लेकर कोई मदद की जाएगी, या जो बिल्डर इस वक्त भागे हुए कहें जो फोन पिकिंग का नहीं कर रहे हैं वो सामने आएंगे, या फिर पुलिस कोई एक्शन बिल्डर के खिलाफ लेगी, ये अब देखने वाला हो गया। और सबसे बड़ा सवाल ये जो फैमिलीज हैं जिन्होंने अपना फ्लैट यहां पर लिया था उनका क्या होगा? कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।